इमोशनल व्यक्ति का रोल कर रहा हूँ जो अपने कल्चर में बिलीव करता है, अपने संस्कारों में बिलीव करता है, अपने भारतीय परंपराओं में बिलीव करता है। और आज की जनरेशन जो पुरानेपन को एकदम फेंक देना चाहती है और आगे बढ़ जाना चाहती है, ये कोशिश करता है कि उनको किसी तरह से इसका महत्व समझाया जाए, हमारी परंपरा हमारे संस्कारों का इम्पोर्टेंस समझाया जाए और कुछ ऐसा सामंजस्य पैदा किया जाए कि उनका ये भाव भी बना रहे कि उनको दुनिया फतेह करनी है, बहुत आगे बढ़ जाना है, बहुत बड़े बड़े काम करना है, वो भाव भी रह जाए, वो बहाव भी बना रहे और ये परंपराओं और संस्कारों का महत्व समझ के उनका भी पालन करें। एक ऐसा एसोसिएशन हो पाना भी बड़ा मुश्किल होता है आज के दौर में, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी बात है। और जिस तरह से कलाकारों का ताना बाना चुना है मनोज शर्मा जी ने, वो अपने आप में स्पेशल है क्योंकि सारे अच्छे कलाकारों को लिया है। और जो कोई भी किरदार या कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं होगा जो ये ना बोल पाए, परिवार में एक आदमी ऐसा ज़रूर होगा जो कहे कि हाँ यार ये सिचुएशन तो मेरे साथ भी हुई है या मेरे परिवार में भी हुई है। उस तरह पारिवारिक ताना बाना, पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है। फिल्म का तो चक्कर ये कि आज की डेट में वैसे किसी के पास टाइम नहीं है। आई थिंक ये टाइटल बहुत अच्छा है, ये बहुत डार्क कॉमेडी है जहाँ पर हमारे दादाजी की का देहांत हो जाता है और 13वीं तक क्या क्या हो रहा है फिल्म के अंदर। आजकल क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट वाली फिल्में चल रही हैं और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। डार्क ह्यूमर वाली कॉमेडी अभी बहुत टाइम से आई नहीं है, तो ये डार्क ह्यूमर है इसमें और सबकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं। आप देखेंगे, मतलब अगर ये पूरी टीम थी वो फिल्म में माला माल वीकली में, तो सिर्फ ओमपुरी साहब नहीं रहे, वरना अगर वो भी होते तो फिल्म के अंदर तो ये पूरी माला माल वीकली जैसी फिल्म होती। बट सब लाफ राइट के साथ इमोशनल एक थिन लाइन होती है इमोशन की, वो पकड़ते एक डिसेंट फिल्म बनाई है इन लोगों ने। देखिए डिटेल तो अभी फिल्म देखेंगे 2 घंटे तभी मज़ा आएगा, लेकिन एक हल्का सा हल्का फुल्का एक महक मैं ज़रूर दे सकता हूँ। हमारे घरों में जैसे हमारे बुज़ुर्ग जो जिन्होंने परिवार के लिए पूरा समय दिया होता है, इस वक्त आज के माहौल में जब उनकी डेथ होती है, किस तरह से उनके परिवार के लोग जो रिश्तेदार हैं, जो पोते हैं, जो डॉक्टर बन गए या कुछ बन गए, उनको वो 13 दिन देने के लिए उस आदमी को जिसने परिवार को बनाया समय नहीं है। बस उसी 13 दिन की जो ताना बाना है उसी को मैंने बड़े कॉमेडी वे में, हल्के फुल्के माहौल में और बड़े सटायर वे में बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उस परिवार के सदस्य के लिए टाइम नहीं है जिसने अपने 70 साल उस परिवार को दिए हैं, तो उसी को मैंने बड़ा सटायर तरीके से बताने की कोशिश की है। लग रहा है कि आज ये प्रोमो लॉन्च हो रहा है और मुझे खुशी है इसका एक पार्ट होने के नाते, इसमें मेरा भी एक छोटा सा पार्ट है। और बीइंग आर्टिस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि एक और फिल्म मेरी रिलीज़ हो रही है, कृष्णा के साथ मेरी तीसरी फिल्म है। एक फिल्म तो रिलीज़ हो चुकी है, तेरी भाभी ये पगले, शायद 2 रिलीज हुई, भाभी ये पगले और यस एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी। आपका इसमें किस तरह का किरदार होगा, किस रूप में आपको देख सकेंगे? इसमें एक गांव का बंदा बना हूँ मैं और एक ब्लैक कॉमेडी जिसे कह सकते हैं कि बाप के मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि वो बाप मर जाए तो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। उसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पसंद आएगा राजपाल यादव और मेरा उसमें एक अच्छा काम है। बहुत ही जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वेजिटेरियन, वैसे ही वेजिटेरियन फिल्म है। और वाकई में आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि हर काम करने वाले से लेकर सेठ जी से लेकर किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो ये एक सटायर कॉमेडी है। आजकल कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो मैं कभी भी अपनी फिल्म का कोई प्रमोशन होता कभी नहीं कहता कि एक बहुत हटके फिल्म है। ये हटके एक ऐसा वर्ड होता है ना शक्ति जी, सब लोग बोलते हैं ना हमारी हटके फिल्म है, हटके फिर बात के बाद में भटके फिल्म निकलती है, पता नहीं। ये हमारी ये फिल्म मैं कह सकता हूँ कि इट्स लिटिल डिफरेंट बिकॉज डार्क कॉमेडी है और काफ़ी टाइम से इस तरीके की कोई डार्क कॉमेडी नहीं आई। और आप इसमें परफॉर्मेंसेस देखेंगे, सब लोगों ने
बल्कि मुझे तो सीखने मिला है। वहां लोगों को डराते रहे हैं, वैसे तो सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं, लेकिन इस फिल्म में वाक्य में गोविंद जी, शक्ति जी और हमारे पिताश्री, ये जो महान हमारे महान कलाकार सामने खड़े हैं, एक फिल्म ऑफ रिलेशंस है। हमारी आज की जो जनता है, हमारे जो आज के पढ़े लिखे नौजवान हैं, कुछ संस्कृतियां पुरानी भूल चुके हैं और वक्त इतना तेजी से चल रहा है। काफी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, जो ट्रैफिक में फंसे होंगे, वो भी बोलते हैं यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है यार, जल्दी से ले चल। सो किसी के पास आज के वक्त में टाइम नहीं है। बहुत कुछ कह दिया गया है और बहुत अच्छा कह दिया गया है, आप लोगों ने खूब मजा लिया है हर बात का। लेकिन हेलो, एक आजकल मैं एक छोटा सा चुटकुला हर जगह सुनाया करता हूँ कि एक बार एक शरीफ आदमी था, वो बिग बॉस में चला गया, फिर अपनी 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 कहानी बना ली। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतने लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, सबने मिलकर फिल्म बनाई, फिल्म खूब चले, लोग बहुत उसका आनंद लें, मजा लें और अभी इसका ट्रेलर देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे योगेश भाई? आप जैसे बड़े प्रोड्यूसर से पैसा लेने का और छोटे लोग को फ्री में देने का ऐसा? अरे हमारे चार चार प्रोड्यूसर है, एक एक 35-35 देगा ऐसी के बाद। मतलब होल्डिंग ऑल इंडिया लगेंगी, सबको देखनी चाहिए, अपने परिवार के साथ देखनी चाहिए। और मैं बहुत खुश किस्मत अपने आप को फील करता हूँ कि मुझे एक ऐसी इमोशनल सेंसिटिव फिल्म में काम करने का मौका मिला। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इस फिल्म को देखें और ऐसे नए प्रोड्यूसर्स को हेल्प करें ऐसी फिल्म को सक्सेस बनाने में, क्योंकि इस फिल्म के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है। एंड आई विश द मीडिया ऑल द बेस्ट एंड द मीडिया शुड कम फॉरवर्ड एंड इफ दे लाइक द फिल्म दे शुड हेल्प पब्लिसाइजिंग दिस फिल्म इन अ बिग वे सो दैट इट डज अ मेजर बिजनेस एंड बिकम्स अ बिग सक्सेस। पुराने अवतार में नहीं हूँ, इसमें एक पारिवारिक फिल्म है। जैसे मैंने बोला कि मैंने राजश्री की एक फिल्म की थी जिसका नाम था हम साथ साथ हैं, तो वही फील देगी एक इंडियन फैमिली के बारे में कि हमारे आज के युग में जो नौजवान हैं वो धन दौलत कमाने के चक्कर में अपने परिवार को कैसे भूल गया है। और ये भी भूल गया है कि घर में परिवार में अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए क्या पूजा करनी चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और जो एक हिंदू धर्म है उसको फॉलो नहीं करते हैं आज के नौजवान, बोलते हैं कि टाइम नहीं है, हमको एक दिन में जाना है, अगर चौथा है वो भी पहले दिन कर लो, अगर तेरहवा है वो भी पहले दिन कर लो, एक ही दिन में सब कुछ निपटाओ। ये भूल जाते हैं कि जिस आदमी को आप निपटा रहे हो एक ही दिन में, उसी ने आपको अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई में पढ़ाया है, लिखाया है, नौकरी में शादी करवाई है, और आप बोलते हैं कि अब इसको एक ही दिन में निपटा दो, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है।